भारत के मशहूर अदाकार सुनील दत्त की आज डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर अमृतसर के विधायक डॉक्टर राजकुमार की ओर से सुनील दत्त को श्रद्धा सुमित अर्पित किए गए। वहीं उन्होंने सुनील दत्त के लिए कुछ पंक्तियां भी बोली। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि अदाकार सुनील दत्त हमेशा ही आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और वह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गोली से मारता है तो वह चाहे आतंकवादी हो, चाहे वह एक आम नागरिक, किसी का बेटा हो या किसी का भाई या किसी का पति भी, इसलिए हम सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। वहीं डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि जब पंजाब के हालात खराब थे तब सुनील दत्त की ओर से मुंबई से लेकर अमृतसर तक पैदल मार्च यात्रा निकाली गई थी, जिसका मुख्य मकसद पंजाब और पूरे भारत में शांति था। सुनील दत्त जी की डेथ एनिवर्सरी है और पंजाब के लिए एक याद करने का महत्वपूर्ण दिन है। और जब पंजाब आतंकवाद के साए में पल रहा था, पंजाब के हालात बद से बदतर हो रहे थे, तो सुनील दत्त जी ने पंजाब की रक्षा के लिए, पंजाब को बचाने के लिए मुंबई से लेकर अमृतसर तक की पैदल यात्रा की थी। मैं समझता हूं कि देश में कहीं पे भी आतंकवाद आया है, उन्होंने हमेशा ये कहा कि चाहे कोई इंसान पुलिस की गोली से मरे, चाहे कोई इंसान आतंकवाद की गोली से मरे, मां दोनों की रोती है, मां किसी की भी ना रोए। और हमारा देश पीसफुल रहे तो चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, हजरत बल में हो, तो पूरे देश भर में एक शांति के मसीहा के रूप में, शांति दूत के रूप में हमेशा सुनील दत्त जी जाने जाते रहे हैं, उन्हें और जाने जाते रहेंगे। अमृतसर से कैमरामैन दीपक बजाज के साथ अनी मेहरा, पंजाब टीवी।